निवडणुका लांबणीवर जाऊन आता निवडणूक आयोग निवडणुका जाहीर करते त्याचं आम्ही स्वागत करतो प्रत्येक शिवसैनिक महाविकास आघाडी वाट बघत होती लवकरात लवकर निवडणुका व्हाव्या म्हणून लोकसभेत जनतेने आम्हाला साथ दिली आणि संपूर्ण महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांची वाट बघत होता हे सरकार दिल्लीच्या इशाऱ्यावर नाचते जनता या निवडणुकीत त्यांना दाखवून देईल भ्रष्टाचार अत्याचार राज्यात वाढले या निवडणुकीत जनता महाविकास आघाडीला विजयी करेल प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा हो हो उसको स्वागत करती हूं क्योंकि हर की हर पार्टी यही इंतजार कर रही थी कि जल्द से जल्द यहां पे इलेक्शन हो लोकसभा में जनता का आ, हमें समर्थन मिला जनता का विश्वास हम जीते हमें अच्छे परिणाम आए पर मैं मानती हूँ कि सारे वासी और वासी यही इंतजार कर रहे थे कि ये सरकार जिसने धोखा धड़ी की हो गद्दारी की हो पार्टी के साथ ही नहीं महाराष्ट्र के साथ की हो और दिल्ली के आ, के ऑर्डर्स पे चल रहे हो उनको बाहर करना बाहर करना है अपने वोट के माध्यम से मैं मानती हूँ जिन्होंने खोखे के बल पे इन्होंने पार्टी के पीठ पे खंजर घोपा हो, हो इन सबको सबक सिखाया जाएगा महाराष्ट्र की जनता सिखाएगी पिछले 10 दिनों में 1300 से ज्यादा गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस पास हुए हैं जिसमें लाखों करोड़ों सरकार की ट्रेजरी से लूटा गया है महाराष्ट्र राज्य की सरकार से लूटा गया है बीएमसी में चुनाव नहीं हुए हैं पर हजारों की एफडी तोड़ दी गई हैं खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है चालीस हजार करोड़ कॉन्ट्रैक्टर्स का पेंडिंग है लाड़की बहन योजना ये तब लाए थे जब ये लोकसभा में हार देख चुके हैं और फिर कल उन्होंने टोल के ऊपर निर्णय लिया है बहुत सारी चीजों पर निर्णय लिया है जो मैं मानती हूँ कि ये जानते हैं कि अब इनकी चार दिन की जो चांदनी है बहुत लंबी अमावस की रात आने वाली है काम हुआ है पर फिर भी हम उत्सुक हैं हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं हम मोटिवेटेड हैं कि महाराष्ट्र की जनता का विश्वास जीतेंगे और महाराष्ट्र में एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो महाराष्ट्र को प्रगति और उन्नति की तरफ ले जाए महाविकास अगाड़ी विजयी बनेगा क्योंकि उनके पास अपार जनता का प्रेम और विश्वास आप देखिए जाते जाते भी इलेक्शन कमीशन के अनाउंसमेंट से कुछ घंटों पहले तक भी इस तरीके का हरकत हुआ है जो असंवैधानिक है वही राज्यपाल जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी पूर्व राज्यपाल जहां पे उन्होंने कहा था कि जो उन्होंने फ्लो टेस्ट का निर्णय लिया था जहां जा, जाकर हमारी सरकार गिरी थी वो असंवैधानिक था उनके काम के दायरे से अलग था अभी भी राज्यपाल पार्टी पक्ष ज्यादा निभा रहे हैं अपना संविधानिक पक्ष कम निभा रहे हैं जबकि वो भी जानते होंगे कि हाईकोर्ट ने जजमेंट अभी रिजर्व किया है जहां पर सरकारी नुमाइंदों ने अश्योरेंस दिया था कैसे कोई अपॉइंटमेंट नहीं होंगे तो ये तो डायरेक्ट चैलेंज टू द हाई कोर्ट है हम इसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में और जैसे ही ये ओथ टेकिंग है ओथ टेकिंग को इनवैलिडेट करेंगे ये जो सब सपने लेकर साथ एमएलसीज बने हैं इनके सपने चकनाचूर होंगे क्योंकि वो असंवैधानिक तरीके से हुए हैं हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं महान्यूज सेवन करिता ब्यूरो रिपोर्ट मुंबई